इस बात में कोई दोराय नहीं है, दबंग वन और दबंग टू इन दोनों का नाम सुनते ही मुन्नी के बदनाम होने का शानदार आइटम सॉन्ग लोगों के जहन में आ जाता है और इसी शानदार आइटम सॉन्ग को दबंग थ्री में जगह नहीं मिली। जैसा कि आप सब जानते हैं, दबंग थ्री में मलाइका अरोड़ा का आइटम नंबर नहीं हुआ। मलाइका अरोड़ा को बाहर करके इस बार सलमान खान ने मुन्नी की जगह मुन्ना को कर दिया बदनाम और अब मुन्ना कैसे हुआ है बदनाम, इसका हो गया है खुलासा। अरबाज खान ने बताया है कि वो कभी नहीं चाहते थे मुन्ना बदनाम हो। अरबाज कभी नहीं चाहते थे कि मुन्ने को इस तरह से मुन्नी की जगह दबंग थ्री में बदनाम किया जाए और यही सवाल किया गया दबंग थ्री के प्रमोशनल इवेंट के दौरान। कपिल ने यहां अरबाज से पूछा कि मुन्नी बदनाम के जगह इस बार मुन्ना बदनाम कैसे हुआ, यानी सलमान मलाइका की जबरदस्त तकरार कैसे हुई। अरबाज ने कहा, हम दबंग थ्री के लिए दबंग के गाने मुन्नी बदनाम हुई और दबंग टू के फेविकॉल जैसा आइटम सॉन्ग ढूंढ रहे थे। दरअसल हम दबंग थ्री में मुन्नी बदनाम का तोड़ तलाश रहे थे। तभी सलमान ने रात के 1:30 बजे मुझे फोन करके तुरंत मिलने को कहा। उन्होंने कहा उन्हें मुन्नी बदनाम का परफेक्ट तोड़ मिल गया है। अरबाज के साथ 1 घंटे तक चर्चा करने के बाद सलमान ने आखिरकार अपने मास्टरपीस का खुलासा किया। अरबाज ने कहा, सलमान ने मुझे कहा मुन्ना बदनाम एक परफेक्ट सॉन्ग है और हमें इसे करना चाहिए। शुरुआत में आइडिया मुझे पसंद नहीं आया, मेरा कहना था कि हम कुछ और सोच सकते हैं, पुराने गाने को संवारने से अच्छा हम कुछ ओरिजिनल बना सकते हैं, लेकिन सलमान इसे ही करना चाहते थे। यानी हर हाल में सलमान को मलाइका के साथ टक्कर लेनी ही थी और अंत में वो टक्कर उन्होंने ली भी। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।